क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं टेक्नो स्पोर्ट्स। दोस्तों कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑनर 7S, वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन में, और कंपैरिजन हमने किया था Redmi 6A के साथ। तो आज Xiaomi ने 5 सितंबर को लॉन्च कर दिए 3 नए फोन, Redmi 6, 6A और 6 Pro, तीनों बजट फोन है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तीनों के कॉमन फीचर्स, डिफरेंसेस, ओवरव्यू और डिटेल में हम जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कॉमन फीचर्स जो तीनों फोन में आपको देखने को मिलेंगे। तीनों फोन में आपको मिलेगा डुअल वॉल्टी फेस अनलॉक, जो कि Honor 7S में भी था। MI बैंड के साथ अनलॉक हो जाएंगे। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड आपको मिलेगा और प्रॉमिस किया तीनों फोन को सपोर्ट मिलेगा 8.1 ओरियो अपडेट का। अब बात करते हैं ओरियो की। सबसे पहले हम लेते हैं Redmi 6 फोन को। Redmi 6 फोन दो वर्जन में अवेलेबल है, 3GB रैम दोनों में आपको अवेलेबल मिलेगी, पर 32GB का स्टोरेज और 64GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। जो 32GB का स्टोरेज है उसकी प्राइसिंग रखी गई 8,000 रुपीज, और जो 64GB का स्टोरेज का है उसकी प्राइस रखी गई 9,499। जो सेल है वो स्टार्ट होगी 10 सितंबर से via Flipkart एंड MI.com। पर Xiaomi ने एक बात करी है कि जो प्राइस है वो केवल 2 महीने के लिए है, अगर रुपी की प्राइस और बढ़ जाती है तो प्राइस चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं Redmi 6A का ओवरव्यू। ये भी दो वर्जन में अवेलेबल है, 2GB रैम 16GB स्टोरेज के साथ में और 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में। जो प्राइसिंग पॉइंट है वो है 6,000 रुपीज, और जो 32GB का है वो है 7,000 रुपीज। Honor 7S की बात करें वो भी आ रहा है 7,000 रुपए में ही। तो यहाँ आपको डबल स्टोरेज मिलेगी क्योंकि उसमें थी 16GB स्टोरेज। इसकी सेल की बात करें तो ये मिलेगा आपको 19 सितंबर से और मिलेगा Amazon इंडिया पे और MI.com पे। Xiaomi ने इसके लिए भी कहा है कि प्राइस 2 महीने के लिए होल्ड है। दोनों ही पार्टी को खुश करने की कोशिश की गई है, एक फोन है Amazon पे और दूसरा है Flipkart पे। और तीसरे फोन की बात करें, तीसरा फोन भी दो वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रैम प्लस स्टोरेज भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रो प्रीमियम फोन है इनकी तरफ से Redmi सीरीज में। जो पहले सीरीज की बात करें तो वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में, वो आपको मिलेगा 11,000 रुपए में, 10,999 रुपीज। और दूसरे वर्जन की बात करें तो वो है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज, वो आपको मिलेगा 13,000 रुपए में। ये सोल्ड हो रहा है Amazon इंडिया और MI.com से। इसकी सेल भी स्टार्ट होगी 11 सितंबर में, पर इसमें एक ऑफर दिया गया है कि आपके पास अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आपको 6 एंड 6 प्रो मॉडल पे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब करते हैं तीनों फोन्स की डिटेलिंग में, कि जानते हैं उनके स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसर, कैमरा एंड बैटरी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले लेते हैं Redmi 6 के बारे में। Redmi 6 में आपको 5.45 इंच HD+ स्क्रीन देखने को मिलेगी, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, MIUI 9.2 देखने को मिलेगा ही, 9.6 इसका एग्जैक्ट वर्जन है, ऊपर रहेगा एंड्रॉइड 8.1, 80.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है MediaTek का Helio P22 SoC, कपल्ड विद 3GB ऑफ रैम एंड 32GB ऑफ स्टोरेज या 64GB, दोनों वर्जन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। स्टोरेज को आप एक्सपांड पहले से ही कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड से, सॉरी बाद में। ऑप्टिक्स की बात करें, कैमरा वर्जन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा डुअल कैमरा, MI A1 में सबसे पहले आया था और अब Redmi सीरीज में भी इन्होंने दे दिया है। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और सेकेंडरी देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का, f2.2 अपर्चर रहने वाला है और पोर्ट्रेट मोड भी Redmi 6 में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में बात करूं तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा विद 2.2 अपर्चर और वेरिफिकेशन कैपेबिलिटी Xiaomi देता ही है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करूं तो 4G वर्टी जो तीनों में देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ है, माइक्रो USB है और 3.5 हेडफोन जैक है। सेंसर्स की बात करूं, सेंसर्स हमने जो कंपेयर किए थे फिर भी Redmi 6 है, पर हमने कंपैरिजन जो किया था उधर सेंसर्स कम थे, इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, पर अच्छे खासे सेंसर दिए गए हैं। जो मेन था वो जायरोस्कोप था, वो इसके अंदर अवेलेबल है, कनेक्टिविटी तीनों प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे से। फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, कंपास, जायरोस्कोप एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बैटरी की बात करूं तो 3000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। वेट है 146 ग्राम और यह आएगा कलर्स में ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड एंड ब्लू कलर ऑप्शन, टोटल 4 कलर ये आपको ऑफर करता है। Redmi 6A की अब बात कर लेते हैं। Redmi 6A का कॉम्पिटिशन है Honor 7S, डुअल सिम है जो कि MIUI 9.6 देगा, एंड्रॉइड 8.1 पे तीनों दे रहे हैं। स्क्रीन की बात करें वही है 5.45 HD+ स्क्रीन, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो रहने वाला है। प्रोसेसर की बात करें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, MediaTek Helio A22 SoC जो कि पेयरिंग हुई है 2GB रैम के साथ में, 16GB और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन के साथ में, एक्सपांडेबल है 256GB में। सेम प्राइस में वो ऑफर कर रहा था 16GB और ये ऑफर कर रहा है 7,000 रुपए में 32GB स्टोरेज, रैम दोनों जगह बराबर है। अब करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की बात। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, केवल 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, इसका अपर्चर रहेगा f2.2।
फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जिससे आप सेल्फी और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो सब जगह सेम ही 4G वॉल्टी ही, ब्लूटूथ, GPS, माइक्रो USB और 3.5 का हेडफोन जैक जो कि आजकल हर फोन में आ रहा है। सेंसर्स की बात करूं, सेंसर्स में ये भी थोड़ा कम है, वहां 3 थे यहां 4 है। एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास और प्रॉक्सिमिटी जायरोस्कोप इसमें भी नहीं है। 3000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है और 145 ग्राम इसका वेट रहने वाला है। ये भी आने वाला है 4 वर्जन में, ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड और ब्लू में। आखिरी वर्जन की बात कर लेते हैं जो कि है प्रो, रेडमी 6 प्रो। ये इनका प्रीमियम फोन है इस सीरीज में, बजट सीरीज में। ये भी लॉन्च हो चुका है, जो सेल है वो तो स्टार्ट हो जाएगी 11 सितंबर से आई थिंक। MIUI 9.6 ऊपर आने वाला है, एंड्रॉइड ओरियो के 5.84 इंच फुल HD स्क्रीन है। बाकी इसकी स्क्रीन जो छोटी थी इसमें थोड़ी सी बढ़ी गई है और 18:9 का नहीं है इसमें एस्पेक्ट रेशियो, 19:9 का। उन दोनों फोन में 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो आने वाला है और इसमें आपको एक फीचर देखने को मिलेगा जो काफी लोगों को पसंद है और काफी लोगों को नहीं भी पसंद है, वो है डिस्प्ले नॉच। हेडसेट की बात करें तो इसमें आने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625। यही प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा मोटो G5S MIUI 11 में, जिनकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है। कपल किया गया एडिनो 506 GPU के साथ में, दो वर्जन में ये भी आ रहा है, 3GB 4GB रैम और 32GB एंड 64GB स्टोरेज के साथ में। कैमरा की बात कर लेते हैं, वही कैमरा है जो Redmi 6 में था, डुअल कैमरा 12 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, अपर्चर F2.2 है, LED फ्लैश इसमें आपको देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है सेल्फीज के लिए। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो 4G वोल्टी सब वही है, ब्लूटूथ, माइक्रो USB, 3.5 mm का हेडफोन जैक। सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपको सारे तरह के सेंसर मिल जाएंगे जो प्रीमियम फोन का है रेडमी में। फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, डिजिटल कंपास, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी दी गई है। वेट थोड़ा ज्यादा है, 178 ग्राम, थोड़ा सा आपको होल्ड करते हुए लगेगा वेट। कलर की बात करूं तो कलर आएगा 4 वर्जन में, 4 तरह के कलर देखने को मिलेंगे, रेड, ब्लैक, गोल्ड और ब्लू। तो ये थे 4 कलर के जिसमें आपको फोन देखने को मिल जाएगा। तो तीनों फोन्स के बारे में मैंने आपको डिटेलिंग बता दिया, Redmi 6, 6A और 6 Pro। प्राइसिंग भी हमने देख ली है कि 7-8 हजार रुपए में है और 9,499 में Redmi 6 आ रहा है। Redmi 6A की बात करें तो 6,000 और 7,000, ये अच्छा बायबैक ऑफर है। Redmi 6A कंपैरिजन में Honor के ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं बात करूं तो। और Redmi जो Pro है, Redmi 6 Pro, वो भी 11,000 रुपए में बहुत कोई बुरा नहीं है और 13,000 रुपए में तो 4GB रैम और 64GB भी आपको दे रहे हैं विद Qualcomm 625 और 500 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरी ओवरव्यू। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड कौन सा फोन आपको ज्यादा अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें। थैंक यू दोस्तों।